न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का हाल जानने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा कि किसान तब तक अपने गांव नहीं लौटेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। वे तो सरकार से बात करने को तैयार हैं लेकिन सरकार कंडीशनल बात करना चाहती है। सरकार को चाहिए कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ MSP पर गारंटी कानून भी बनाए। उन्होंने कहा कि किसान तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है जिसका समाधान भी सरकार के पास है, वे सिर्फ राष्ट्र की नीति कर रहे हैं जबकि इस मामले में राजनीति तो सरकार कर रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यह बड़ी ही अनोखी सरकार है जिसमें लिखता कोई है और बोलता कोई और है और फिर बाद में सॉरी फील कर लिया तो बात ही क्या रह गई। चुनाव लड़ने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। रही बात संख्या बल की, तो अगर सरकार ने संख्या बल ही देखना है तो अब की बार 4 लाख की बजाय 10 लाख ट्रैक्टर ले जाने की इजाजत देकर देखे। रही बात समाचार पत्रों के कार्यालयों में छापे पड़ने की, तो अगर कोई किसानों के हित की बात करेगा तो छापे तो पड़ेंगे ही। वहीं अपने इस दौरे के दौरान राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। अरे कार्यक्रम अपने किसानों से मिलने आए, यहाँ पे देखने आए, इनके छप्पर टूट गए, लोग बता रहे फंडिंग बाहर से आए, हमारे छप्पर गिरने का बहुत भी रहा। हमें लोग मवाली कहते हैं, सरकार में बैठे लोग भाई हमारे झोंपड़े देख कर मवाली कहते हैं। वे चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाले, हम पत्तल पर खाना खाने वाले, तो उनके लिए तो मवाली है। हम बांस के झुप्पड़ पट्टियों में रहते हैं, 8-8 महीने से अपने घर नहीं गए, यहाँ पे धरना दे कर बैठे हैं। सरकार जब तक बात नहीं मानेगी वे कानून वापसी नहीं लेंगे। ये किसान है, ये किसान बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा, ये अपने गांव नहीं जाएगा। भारत सरकार जितना जल्दी मान लेगी, बातचीत को तैयार हो जाएगी, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने चिट्ठी लिखी उनको संयुक्त मोर्चे में, ये सरकार बात कर रहे हैं लेकिन वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं। वे बार बार कहते हैं कानून वापसी नहीं होगा और बात कर ले, ऐसे नहीं होगा। MSP पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, तीन कानून वापसी लेने पड़ेंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, पॉल्यूशन वाला बिल है, जिंदा हम कैसे रहेंगे वो फार्मूला सरकार को बताना पड़ेगा। हमें झंडा भी लगा रहेगा तो वो भी किसान आंदोलन का झंडा है, वो कोई छू नहीं सकता। संख्या बढ़ानी घटानी हमारे बतने, वो क्या हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर है, क्या हमारे संगठन के एडवाइजर है क्या भारत सरकार? 25 लाख कम होती है, जिस दिन 25 लाख लेके गए थे सरकार बैकफुट पे आई थी, लेकिन दोबारा जिस तरह ले आओ क्या वे 4 लाख ट्रैक्टर आप कह दो सरकार सबको आ दो, आपको 50 लाख ले आएंगे। अगर सरकार इजाजत देती है और वो कहती है जी हम बिना संख्या के मानने नहीं, और दिल्ली में आप आपका 25 की जगह 50 लेकर आओ, 4 लाख ट्रैक्टर की जगह इतना 10 लाख ट्रैक्टर नहीं आएंगे, इतना मानने के नहीं। पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वो 600-800 लोग पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, वो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। क्या पूरा देश यहाँ पर आता है? ये जो ये लोग बैठे हुए ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने किसान पंचायत का नाम किसान संसद रखा, हम चलाते हैं, 200 लोग हर रोज जाते हैं, जब तक पार्लियामेंट चलेगी जब तक ही वो किसानों की संसद चले। समाधान का क्या प्लान है? समाधान हो गया? समाधान सरकार बताएगी भाई, हमारे पास तो देखिए आंदोलन करने का है। एक बार जरा प्यार से ये भी बता दे कि किसके लिखने से बेचा था वो, उन्होंने तो कहा नहीं, उनको तो पता ही नहीं, वे किसानों के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी ने लिखत पढ़त करके दिया है। इस पार्टी में सरकार में बहुत अजीब हुआ है कि बोलने वाला कोई और है, लिखत पढ़त वाला करना और है। हमने भी कह दिया चलो भाई सॉरी फील कर लिया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अरे किसान क्या लेडीजो को कोई माफ और उनसे माफी मंगवाते हैं क्या? हम तो आंदोलन कर रहे, राजनीति नहीं है, राजनीति ये है तो वो छोड़ दे, अबे छोड़ दे, ये राजनीति पूरी है, ये तो देश बचाने की नीति है कि देश कैसे बचेगा, राष्ट्र नीति है ये, इसको राजनीति नहीं कह सकते। अगर सरकार का विरोध करना राजनीति है तो हम राजनीति तो वे करते हैं, हम तो राष्ट्रनीति करते हैं। ये तो गर्मी सर्दी आती रहेगी जाती रहेगी, फिर आवेगी ये 3 सर्दी आओगी, 3 बरसात आवेगी, 3 गर्मी आवेगी, 3 बार मौसम चेंज होंगे, 3 साल लगेंगे। अभी 35 महीने और आंदोलन चलेगा,
अगर सरकार बात नहीं है। क्या आपका चुनाव टारगेट यूपी चुनाव है जिस तरह से हमारा टारगेट हमारा चुनाव क्या टारगेट होता है, आंदोलन टारगेट का एक विचार है कि भाई इलेक्शन लड़े, संयुक्त मोर्चे का एक भाई ना लड़े, तो भी जो कुछ फैसला होगा बाद में हो जाएगा, अभी क्या इलेक्शन हो गया। हरियाणा सरकार का कहना है कि सख्ती बरतेगी कुछ मोर्चों पे, लोगों को परेशानी हो रही आने जाने में। हाँ मोर्चों पर सख्ती बरतवाओ, बरत ले सकती हो, उसी सख्ती का तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सख्ती अच्छा अखबार वाले अगर हमारे पक्ष में दिखाओगे तो छापे भी नहीं लगेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर किसान की बात करोगे तो छापे तो लगेंगे भाई।